राहुल गांधी जी की जो यात्रा है देश को जोड़ने की यात्रा है। आपको याद होगा कि भगवान श्री राम जी भी कन्याकुमारी से काश्मीर, उनकी भी एक पदयात्रा हुई। शंकराचार्य जी पहले थे, उनकी भी एक पदयात्रा उस तरह हुई, कन्याकुमारी से काश्मीर। रामदास स्वामी जी की भी यात्रा हुई है, चौथे राहुल गांधी है। हम उनको धर्म के साथ नहीं जोड़ रहे, लेकिन हमारा धर्म ये सिखाता है कि बंधुभाव और समता, यह हमारा धर्म सिखाता है। किसी धर्म को गाली देना, किसी व्यक्ति के बारे में गलत बोलना, यह हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता। राहुल गांधी धर्म का काम कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के संविधान को एक साथ रखने का काम कर रहे हैं, देश का तिरंगा को सही सलामत रखने का काम कर रहे हैं। और उनके ऊपर अगर टीका बीजेपी की पिलावड़ जो कर रही है, उनकी ऊंचाई उतनी राहुल गांधी तक नहीं है। राहुल गांधी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। और उसकी टी शर्ट की बात करते तो अमित शाह के मफलर की बात आती है, अपने देश के प्रधानमंत्री के सूट बूट की बात आती है। तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, देश में किसान का इशू है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इसके बारे में बीजेपी क्यों बात नहीं करती। और रही महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में आज कंट्रोल के दुकान में राज्य के 15 जिले में अनाज नहीं है, केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर लिया, बाकी जिले का ख़त्म होना चालू हो गया है। तो क्या गरीब आदमी बगैर खाने से रहे? अगर हर जगह GST लगाकर आम आदमी को जीना भी दुभर करने का काम बीजेपी करती है, उस विषय पे बीजेपी क्यों बात नहीं करती? ये सवाल हमारा कांग्रेस का।